प्रीत को वीडियो में इसलिए लेके आई, मैंने सोचा कि अगर नहीं लाएंगे तो आप लोग सोचोगे रप्रीत कहाँ चले गए, कहाँ गए रप्रीत, तो मैंने सोचा चलो रप्रीत को भी ले आते हैं, क्योंकि आज की ब्लॉग में रप्रीत बहुत कम आया है। जाना है जा। फ्रेंड फाइनली हम पहुँच चुके हैं ट्रेन के अंदर और रप्रीत भी उठ गया, फिर उठ गया रप्रीत से आप धोखा हो गया, रप्रीत सो ही रहा था तब तक स्टेशन पर इसलिए गई थी। फिर फाइनली बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आंटी जी और मैं और बाबू तीनों हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था, तो मैं बहुत देर से आप लोग को परेशान करी, तो उस ब्लॉग में मैंने बताया भी नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था प्रिया दी कहाँ जा रही हूँ कहाँ, तो फाइनली मैं बता दी हूँ कि मैं आंटी जी की फैमिली के घर जा रही हूँ, मैं आंटी जी की बहन के घर जा रही हूँ। फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स जो भी हो, नाइट का टाइम कहने का मतलब मॉर्निंग ही सोच लीजिए, क्योंकि 12 बजे के बाद मॉर्निंग ही हो जाता है, दूसरा दिन हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो फाइनली वो टाइम आ चुका है, मैं और मेरा बाबू हम जा रहे हैं। बाबू के अभी सुबह मॉर्निंग उठे, जो भी हो मैंने मालिश वालिश कर दी है, ऑयल ऑयल मैंने बाबू को लगा दिया, बाबू को ऑयल ऑयल वगैरह लगा दिया, और ये मैंने बाबू के कपड़े जो धुले थे ना तो सूखे नहीं सही से थे, तो उसको भी मैंने कल ही यहाँ पर डाल दिया था ताकि ये सूख जाए। फिलहाल अभी तो बाबू कपड़े सारे रखने पड़ेंगे, और मैं उठी हूँ लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैंने नहाया नहीं, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, क्या नहाऊँ। इससे अच्छा मैंने सोचा कि ऐसा करें हाथ पैर मुँह धो लेते हैं, अब ज़्यादा टाइम हो रहा ना फ्रेंड्स, इसलिए। लेकिन बाबू की मालिश मैंने कर दी फिलहाल, तो चलिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, और सभी लोग हैप्पी जर्नी बोलिए कि अच्छे से जर्नी हो हमारी, और चलते हैं फ्रेंड्स। क्या करें, देखिए मेन बात ये है कि आप लोगों को मैं खुल के बता नहीं पा रही हूँ ना, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बातें सीक्रेट होती है ना, बाद में जब तक आप लोग दिमाग लगाए मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। खैर ये भी है, साथ में आंटी भी जा रही है मेरी, मैं कोई अकेली नहीं जा रही हूँ, आंटी भी, मैं हूँ, बाबू, तीन लोग जा रहे हैं, तो हम तीनों लोग जा रहे हैं। तीन कैसे? हाँ बाबू मिला के तीन हुआ। तो बस आप लोग कुछ नहीं, आशीर्वाद और प्यार चाहिए, और चलिए फ्रेंड अभी फटाफट हम रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों मिलते, नहीं तो हमारी ना पहुँच ट्रेन छूट जाएगी, फिर नहीं जा पाएंगे, फिर तो थोड़ा उदासी सा आ जाएगा ना, बढ़िया चले जाता ठीक। लेकिन सच्ची बताऊँ सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करा था, लेकिन चलिए ब्लॉग में बने रहिए, इंजॉयमेंट करते रहिए सुबह सुबह, आप लोगों की नींद भी मैंने हराम कर दी, मेरी तो नींद हराम ही है, आपकी भी कर दी, कोई बात नहीं, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जहाँ भी जाएँ जहाँ भी रहें खुश रहें हमेशा, ठीक है फ्रेंड्स? आप लोग यही हमारे लिए प्रे करिए, जहाँ भी जाएँ जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। तो चलिए मिलते हैं रेडी होने के बाद। फ्रेंड फाइनली मैंने अपना फेस वॉश कर चुके हैं, और हाँ फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी, आप लोग ये मत सोचना प्रिया परेशान है या फिर कहीं परेशानी में जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, जा रही हूँ, बस आप लोगों को यही कहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमारा जो सफ़र है ना कुछ ज़्यादा ही लंबा है, कहने का मतलब कि बहुत ही लॉन्ग सफ़र शुरू हो गया कहने का मतलब ना, तो हमारा जो सफ़र है ना थोड़ा ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा टाइम का है, तो आप लोगों को वैसे अगर हमारी 10 घंटे की ट्रेन का सफ़र है तो उसमें से मैं 12-13 मिनट की तो वीडियो बनाऊंगी, तो बस ये होता है ना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं जैसे कि आज हमारी वीडियो मॉर्निंग पड़ती है, तो मैं वीडियोस ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होती तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो हमारी कुछ वीडियो एक्स्ट्रा पड़ जाती है, बेशक 2-3 दिन का ऐसे हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग ये मैं सोचिए प्रिया अभी तक बाहर ही है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा वीडियो बन जाती है जैसे आप लोगों को हर कुछ दिखाती हूँ, तो इसलिए थोड़ी मेरी वीडियो लॉन्ग बन जाने की वजह से मैं आधा आधा वीडियो डालती हूँ, मतलब कि डालूंगी, अगर आधा आधा वीडियो डालूंगी तो आप लोग, मैं सोच रहा हूँ प्रिया अभी तक बाहर है, मैं वैसे अपडेट आप लोगों को देती रहूंगी, और अभी तो हम जा रहे हैं, बस आशीर्वाद दीजिए, अभी फटाफट हम रेडी हो जाएं, बस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, और हमारा जो बैग पैक हो गया, तो मैं आप लोगों को बता दूँ मैंने वो बैग पैक किया था कि सारे कपड़े लेके जाएंगे, लेकिन कैंसिल हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स कि इसलिए कैंसिल हो गया कि आंटी जी ने बोला कि हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में जाके ही वापस आए, और मतलब कि रुकना ना पड़े हमें,
तो फिलहाल मैंने बाबू के कुछ कपड़े थे, मतलब दो दो जोड़े, मतलब कि एक एक जोड़े और रख लिए, दो दो जोड़े, एक एक जोड़े और रख लिए हैं इमरजेंसी के लिए। क्या पता है, तो हमारा तो चलता है, हम तो एक ही कपड़े पहन के रह सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, कपड़े से क्या तो बस साफ सुथरे होने चाहिए, लेकिन ये ट्रेन के सफर में गंदे हो जाते हैं। लेकिन मैंने बाबू को रखा, बाबू को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बाबू का डायपर, कपड़ा और जो भी पोषण उछने के लिए सब कुछ रख लिया है। तो जा रही हूँ, ऑयल बाबू का जो भी ऑयल ऑयल भी रख लूँगी, ये सारी चीज़ें रख लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड फिर अभी हम निकलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली टकलू भी रेडी हो गया। भाई टकलू, भाई कैसा लग रहा है? सुबह सुबह तो मालिश हो गई थी। हाँ, सुबह सुबह तेरी मालिश हो गई, फिर तैयार हो गया। कहाँ जा रहा है बता, कहाँ जा रहा है? अच्छा तू ही बता फ्रेंड, अगर अपडेट बड़ा होता ना तो बताओ। मैं कह रहा मम्मा मैं बता दूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बता, देख लीजिए। अगर हाँ आप लोग हमेशा, मतलब कि अगर हमें मतलब कि मेरे साथ रहोगे हमेशा, अगर आप देखते रहोगे जब बाबू बड़ा होगा जब तक, तो देख लेने ही जरूर ऐसा करेगा। मैं कोई चीज़ बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी, मम्मा मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, है ना? ऐसा करेंगे ना, देख लीजिए। मैं बेशक आप लोगों को कुछ ना बताऊँ, लेकिन आपका जो क्यूट सा बेबी है ना रपरीत, ये आप लोगों से हमेशा हर बात शेयर कर लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फिलहाल रेडी हो गए, आंटी जी भी रेडी हो रही हैं, तो आंटी जी भी रेडी हो जाए, उसके बाद हम निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा रात है, अभी रात का टाइम है, वैसे बाहर का व्यू ज़रूर दिखा देंगे आप लोगों का, अभी रात है। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। क्यों कुन्ने, फाइनली बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं जा रही हूँ। आंटी जी और मैं और बाबू तीनों हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था। तो मैं आप लोग को बताई देती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आप सभी को पता है फ्रेंड, होली आने वाली है, तो जो आंटी जी हैं वो अपनी बहन के घर जा रही हैं, कहने का मतलब अपनी सिस्टर के घर, होली का टाइम में इससे पहले जा रही हैं इसलिए। और जो होली मिलने के बाद में, बल्कि आंटी जी पहले जा रही हैं, और इसलिए जा रही हैं क्योंकि उनको कुछ सामान वामान भी पहुँचाना था होली का, होली का सामान वामान जो भी होता है, कि खाने पीने का सामान। तो बहुत दिनों बाद आंटी जी जा रही हैं, तो आप लोग ये भी सोच रहे हो कि प्रिया क्यों जा रही है। तो जो आंटी जी की बहन है, उन्होंने बोला है कि हम मुझे और बाबू को लेके आने के लिए, क्योंकि खासकर बाबू के लिए, क्योंकि उन्हें ना देखना है बाबू को, तो इसलिए आंटी जी ने बोला कि तुम भी चलो। और दूसरी बात फ्रेंड देखिए, वैसे भी मैं यहाँ पर अकेले रहती, इससे अच्छा है कि मैं आंटी जी के साथ ही चली जाती हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सही रहेगा। तो इसलिए मैं बहुत देर से आप लोग को परेशान करी, तो उस ब्लॉग में मैंने बताया भी नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था प्रिया जी कहाँ जा रही हूँ, तो फाइनली मैं बता दी हूँ कि मैं आंटी जी की फैमिली के घर जा रही हूँ, क्या आंटी जी की बहन के घर जा रही हूँ, जो कि अब जगह का नाम नहीं बता सकती फ्रेंड, सॉरी। लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोग जरूर पहचान जाओगे कि ये कौन सी जगह है पक्का। तो फाइनली मैं आप लोग को बता दी हूँ कि मैं आंटी जी की बहन जो है उनके घर जा रही हूँ, होली का जो भी सामान वन पहचाने जा रही है। तो मुझे और बाबू को भी बुलाएंगे, खासकर बाबू को बुलाएंगे कि बाबू का बाबू आएगा तो बाबू को देख लें, तो मैं भी घूम लूँगी इसी बहाने, घर में भी रह के बहुत ज़्यादा हो गया। तो कोशिश करेंगे कि हम एक दिन में जाके एक दिन में वापस आएँ। तो बस फाइनली आप लोग को पता चल लग गया होगा, बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से घर से निकलने के बाद। तो फ्रेंड फाइनली हम पहुँच चुके हैं ट्रेन के अंदर, और रफरीत भी उठ गया, फिर उठ गया रफरीत, क्या धोखा हो गया। रफरीत सो ही रहा था तब तक स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ से देखिए कितने नींद आसा हो रखा है, कितना नींद है बाबू है, तो बाबू काफ़ी ज़्यादा नींद हुई सो गया। अभी भी अंधेरा ही, अभी उजाला नहीं हुआ, अब तो उजाला हो गया। फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं फ्रेंड, और जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं क्यों फ्रेंड, नहीं कहीं नहीं था पहले ब्लॉग में हमने। यार रफरीत की नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप लोग खुद देख रहे हैं। क्यों रफरीत, बहुत ज़्यादा टेंशन है। चलिए खैर कोई बात नहीं फ्रेंड, आप लोग ये सोचिए कि ट्रेन है रफरीत, रफरीत को वीडियो में इसलिए लेके आई, मैंने सोचा कि अगर नहीं लाएंगे तो आप लोग सोचोगे रफरीत कहाँ चले गए, कहाँ गया रफरीत, तो मैंने सोचा चलो रफरीत को भी ले आते हैं, क्योंकि आज के ब्लॉग में रफरीत बहुत कम आया है। जाना है जा, गिर जाएगा। देखिए फैन माँ का ज़माना तो नहीं है अब रहा, लेकिन मैं लगा के आई हूँ इसलिए
क्योंकि इससे मेरा नोज भी ढका रहेगा, ठंड मुझे कम लगेगी। और सेकेंड बात ये कि दिक्कत ये होती है ना, ऐसे बंद कर लो आराम से, आधा फेस ढका रहता है इस वजह से, नहीं तो मैं ना लेता टिफिन लगा लिया। ज़्यादा सेफ्टी है और ठंड का टाइम तो ज़्यादा सही रहता है, फिर आप सभी को पता ही है। तो खैर चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जर्नी। तो आप लोग सारे लोग एक एक कमेंट कर दीजिए, हैप्पी जर्नी रफरी टॉप्रिया। तो आप लोग कर ही सकते हो, एक कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है। और आशीर्वाद दीजिए, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और फिलहाल तो अभी ट्रेन हमारी रुकी है, क्योंकि अक्सर हम स्टेशन पे आधे घंटे एक घंटे पहले पहुँचते हैं ताकि हम आराम से ट्रेन पकड़ सकें। आप लोग समझ रहे हो फ्रेंड्स कि अगर हम ट्रेन 5 बजे, तो ज़रूरी तो है नहीं कि हम 5 बजे ही पहुँचे तो ट्रेन भी छूट जाएगी ना। पहले पहुँच गए तो खाली सीट मिल गई है हमें, खाली सीट क्या टिकट कटाए तो खाली सीट कहने में ये सुबह सुबह टाइम है, इतना भीड़ नहीं है अभी, है तो जनरल ही, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए फ्रेंड, आप लोगों को सारी अपडेट देती रहूँगी, बताती रहूँगी अपना। हाँ फ्रेंड, बैग में ये बैग लेते हैं, मैं स्काई बैग नहीं ली क्योंकि स्काई बैग फट भी रखा था, और दूसरी बात उसमें से कोई भी सामान रोटी इधर से इधर से गिर जाता तो कोई फ़ायदा नहीं था हमें, इसलिए मैंने स्काई बैग नहीं लिया। ये वाला बैग है, इसमें बाबू के कपड़े रख लिए हैं, और मैंने अपने कपड़े ले रखे। और हाँ फ्रेंड, देखिए आज जाके आज ही वापस आने की कोशिश रहेगी, क्योंकि फ्रेंड देखिए ज़्यादा मतलब उधर रहेंगे तो दिक्कत भी रहेगी। और दूसरी बात देखिए, हम आप लोगों को टाइम तो ज़्यादा लगेगा, ट्रेन का सफ़र तो ज़्यादा लंबा है, लॉन्ग है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोशिश ये करूँगी वीडियोस बना दी। मैं कई बार बोल चुकी हूँ फ्रेंड्स कि बात ये हो जाती है ना कि जैसे कि अब हम अभी घर से निकले, मैंने वो वीडियोज़ बनाए, अभी मैं ट्रेन में पहुँची, मैंने वो वीडियोज़ बनाई, तो कई वीडियो हमारी बन जाती है ना। और हम थोड़ा अच्छा अच्छा मोमेंट्स होता बाबू के साथ का हमारा, तो मैं बनाती रहती हूँ वीडियो, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसकी वजह से मैं सेकेंड वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, तो हो जाता है कि ये वीडियो भी होगी अगली वीडियो। तो आप लोग ये मैं सोचते कि मैं फिर से बोल रही हूँ कि प्रिया अभी तक ट्रेन में ही है, लेकिन हम अभी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि रात तक तो आ जाए, कोशिश नहीं फाइनली रहेगी, क्योंकि वैसे फ्रेंड ज़्यादा बाहर रहना सही नहीं है। और मैं बेशक किस हर चीज़ थोड़ी सी पर्सनल भी है, थोड़ा सीक्रेट भी है, टाइम आने पे ज़रूर आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए फ्रेंड, बस आशीर्वाद दीजिए, और अपनी तो अभी गोद में है आंटी के, मैंने आपको बताया ही हम 3 लोग जा रहे हैं। ऐसा मैं शीशे में भी दिख रही हूँ, आप लोग अदरक वाली चाय आज पता है, ऐसे कहीं सफर पर करो तो बहुत सारी चीज़ें लेके रखी, लेकिन अब नहीं मन करता नहीं लेके। तो बस और कुछ नहीं कहना है आप लोगों से, तो फिर घर से निकलते हो तो वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए बाबू भी था और अंधेरा था, इसके कारण उजाला तो था नहीं कि मैं वीडियो स्टार्ट कर दूँ तो दिखेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फाइनली मैं और बाबू आ चुके हैं आंटी जी के घर पर, हम जा रहे हैं कहीं, तो आप लोगों को यदि आप दोस्त देती रहूँगी कहने का मतलब और कुछ नहीं। चलिए बस आप लोग प्यार भरा आशीर्वाद दीजिए, और क्या चाहिए, बस आप लोग की दुआ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमेशा खुश रहूँ, बस मैं ये चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। जो भी हो, जो हमारी ट्रेन स्टार्ट होगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती रहूँगी। ट्रेन से जाओ तो जंगल ही दिखते हैं, तो जंगल आप लोगों को दिखाती रहूँगी। खैर अभी तो हमारी ट्रेन स्टॉप है, अभी हमारे पास 15 मिनट है, ट्रेन खुलने में भी 15 मिनट है, तो इस 15 मिनट में मैं सोच रही हूँ क्या थोड़ा, इसलिए 15 मिनट को और लॉन्ग करते हुए 15 मिनट कब निकल जाएंगे। मैं बहुत देर पहले आई, लेकिन एक होता ना ट्रेन में लाइट नहीं जलती है, ट्रेन में भी लाइट नहीं जलती, तो स्टेशन पर अभी तो उजाला हो गया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया था बाहर भी उतना दिखता है, लाइट जलती है हल्के हल्के, तो ओवर ब्रिज पड़ रही ना, ओवर ब्रिज की वजह से थोड़ा ब्लैक, तो इसलिए मैं वीडियोज नहीं बनाई। और अभी मैं ट्रेन के अंदर आई हूँ, तो मैंने अपना फ़ोन खुद चार्ज भी नहीं था, रात को चार्ज में लगाना भूल गई, तभी मैंने चार्ज किया मैंने, और मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम ये
ये ना फ्रेंड्स की बैटरी बहुत कम दिखती है, बहुत ही कम। मैं वीडियोस बना के आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ, यही बहुत बड़ी बात। आप जो सोचोगे ना फ्रेंड्स मैं वीडियो मतलब कि फ़ोन यूज़ करती हूँ, व्हाट्सअप और ये सब चलाती रहूँ, ज़्यादा देर तक नेट भी ऑन रखते हैं तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर मुझे नेट ऑन करके रखना पड़ता है, लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन कोई बात नहीं। फ़िलहाल में ये होता है मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ कर पाती, और वैसे भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं फ़ोन यूज़ कर सकूँ, क्योंकि बाबू हैं आप सभी को पता है, और आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो ना पीछे से शोर की, बहुत अजीब अजीब की, तो उसके लिए मेरी आवाज़ भी आप लोग को सुनाई नहीं पड़ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे। तो चलिए अब लगाते हैं मास्क, अभी मास्क लगा के हम स्टॉल वॉल ओढ़ लेंगे, फिर उसके बाद से हवा भी चलती है, एक रुपये बटन खुलती होती है, लेकिन मैं खोलूँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन बाबू को लूँगी क्योंकि पीछे से बाहर ठंडी हवा आएगी। अच्छा है फ्रेंड, मतलब उसकी सेफ्टी है बहुत ही ज़्यादा। चलिए वीडियो को एंड करके आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें, और रफ्लिक की हमेशा प्रे करिए, ऐसे हम लोग हंसते खेलते अपनी लाइफ में खुश रहें, और जो भी हो सारी बातें आप लोगों से शेयर करते रहें सभी को। बाय बाय, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे चलते चलते, देखें फिर मिलेंगे आप लोगों को प्यारे प्यारे अपडेट्स के साथ। बाय बाय।